नमस्कार, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। धनतेरस पर्व का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। इस दिन लोग नए सामानों की खरीदारी करते हैं। इस बार धनतेरस 17 अक्टूबर को पड़ रहा है। धनतेरस पर हर तबके का व्यक्ति कुछ न कुछ नई चीजें जरूर खरीदता है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई चीजों से बरकत होती है, लेकिन अगर आपने पहले से ही योजना बना ली है कि इस दिन आपको क्या खरीदना है, तो भी हम यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें से एक चीज आप धनतेरस पर जरूर खरीदें, क्योंकि ये चीजें माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और इन्हें अपने घर लाने से आपका भाग्य 10,000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो चीजें। चांदी का सिक्का या बर्तन जरूर खरीदें। अगर आप ज्यादा भारी नहीं खरीद सकते तो एक छोटी सी चम्मच ही खरीद लें और इससे ही देवी लक्ष्मी की पूजा करें। चांदी के लक्ष्मी जी और गणेश जी भी खरीदे जा सकते हैं। पूजन के बाद इन्हें अपने तिजोरी में रखें और नियमित धूप दीप दिखाएं, इससे आपके धन में वृद्धि होगी। धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदें। ये धन का प्रतीक माना गया है। लक्ष्मी पूजन के समय देवी को धनिया अर्पित करने के बाद अपने बगीचे में कुछ बीज बो दें, और अगर बगीचा ना हो तो इसे गमले में बो दें और कुछ को कौड़ी और गोमती चक्र के साथ तिजोरी में रखें। इस धनतेरस पत्नी के लिए लाल वस्त्र और श्रृंगार सामग्री खरीदकर उन्हें उपहार देना शुभ होता है। अविवाहित व्यक्ति किसी अन्य सुहागन स्त्री को उपहार दे सकते हैं। तिजोरी और स्टील के बर्तन खरीदना चाहते हैं तो ये भी खरीदे जा सकते हैं, लेकिन राहु की वस्तु होने के कारण एल्यूमिनियम और शीशे की वस्तु धनतेरस के दिन ना खरीदें। धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है और साफ सुथरे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। नमक खरीदना भी इस दिन शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस वाले दिन नमक लाने से घर में धन का आगमन होता है और सुख शांति घर में आती है। धनतेरस पर नमक खरीदना शुभ है। साथ ही इस दिन रुद्राक्ष खरीदना भी शुभ माना गया है। धनतेरस वाले दिन रुद्राक्ष खरीदने से आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में खुशहाली आती है। शंख को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। आप चाहें तो इस दिन शंख भी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन खरीदे गए शंख को पूजा के समय जरूर बजाएं। इस दिन घर में कुबेर की मूर्ति भी ला सकते हैं। पूजा के बाद इसे अपने पूजा घर में रखें। इस दिन घर में कौड़ी लाने से धन की समस्या दूर होती है। पूजा के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। तो ये सारी वो चीजें हैं जिन्हें अगर आप धनतेरस वाले दिन खरीदते हैं तो आपके घर में खुशियाँ आएंगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।